एरिया है, सुडोल एरिया का जो अभिभावक है, जो राज्यपाल है, और राज्यपाल चाहे वो प्रावधान शेड्यूल एरिया में कर सकता है। उस एरिया के लिए जनजाति सलाहकार परिषद बनी हुई है, सलाहकार समिति बनी हुई है, और सलाहकार समिति में विधायक होते हैं, कुछ पांच एक सामाजिक लोग होते हैं, और वह सलाहकार समिति मतलब सरकार को, राज्यपाल को अपनी जो बात है वो पहुंचाती है। लेकिन सभापति महोदय, मैं उस तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि पिछली गवर्नमेंट में हमारे मंत्री थे बीजेपी से नंदलाल जी, और उस समय घटना हुई, उन्होंने डूंगरपुर में एक प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में अपनी जो बात रखी, अपनी जो भावना थी वो रखी, और अपना जो दुख था वो रखा, और दूसरे ही दिन उनसे मंत्री पद छीन लिया गया, और कुछ महीनों में जो सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है वो मंत्री हुआ करता था, और पिछली गवर्नमेंट में सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय को बना दिया गया। दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात। सभापति महोदय, मैं तो 5 मिनट ही बोला हूँ। 2 मिनट में समाप्त करें। सभापति महोदय, हमें 10 मिनट मिले हैं, तो मैं उस बात को बता रहा था कि मुख्यमंत्री महोदय को सलाहकार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो यह जानना पड़ेगा कि हमारे जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो इतने काम मतलब इतने व्यस्त रहते हैं, वो एक सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनेंगे तो सलाह किसको देंगे, किसको सलाह देंगे। तो इस तरह की जो घटना हुई है उस इलाके में, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वन भूमि जो वन अधिकार पट्टे दिए गए उस इलाके में कुछ हद तक दिए गए हैं, कुछ कुछ प्रक्रिया दिन है, तो जो जिन लोगों को वन अधिकार पट्टे मिले हैं उन लोगों के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसी जो योजनाएं बनाई हैं, और विशेषकर उस एरिया में जो पूरे देश में फेमस है, कड़कनाथ करके मुर्गा होता है, वो पूरे देश में फेमस है, वो मुर्गा भी काला होता है, उसकी मीट भी काली होती है, और वो मुर्गे का ब्लड होता है वो भी काला होता है, और बहुत पौष्टिक है वो। उस इलाके में मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाह रहा हूं कि वन अधिकार पत्र जो जिन लोगों को मिले हुए हैं, तो वहां एक महुए का फूल होता है सर, और जो महुआ होता है और दुख होता है उस बात को लेकर कि सरकार ने देसी दारू के लिए गंगानगर शुगर मिल से बनवाया गया, वहां केमिकल से देसी दारू बनके उस इलाके में बिक रहा है, लेकिन सरकार ने जो देसी महुआ था उस महुए का जो एक औषधि है ओरिजिनल जो बनता है, अच्छे अच्छे बीमारी भाग जाती है उसको, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। तो मैं सदन के माध्यम से आपके माध्यम से मुख्यमंत्री में सरकार को अवगत कराना चाह रहा हूं कि उसको कहीं ना कहीं ऐसा मॉडिफाइड करके उस महुए के जूस का आप बनाते हैं लोग उनके स्वास्थ्य के लिए। सर 2 मिनट बोल, 2 मिनट समाप्त करें, हो गया अब। सर शिक्षा की जो बात हो रही है, बिल्कुल समाप्त करें चंद्रमान सिंह। सर शिक्षा की जो सर अन्याय है एक तरह का, ये हमें 10 मिनट मिले गए, 6 मिनट ही बोले। बिराजी तो नहीं सर, किस बात का पूछ रहे बिराजी, हमें 10 मिनट मिले गए उस पार्टी के हिसाब से ज्यादा बोल लिया बिराजी। सर 2 मिनट बिराजी, 1 मिनट में बात समाप्त करें। बिल्कुल सर, सर शिक्षा की बात होती है उस इलाके में, 1 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। बिल्कुल सर, सर उस इलाके में जो शिक्षा की स्थिति है, आज बिल्डिंगें बनती है रामसा के तहत, और बनती है कुछ समय 3 से 4 साल बाद उसमें पानी टपकने लग जाता है, और मैंने एक स्कूल का अध्ययन किया, उस हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के बारे में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमें दूध दिया जाएगा बच्चे को, फिर खाना दिया जाएगा, बच्चा 7-7:30 बजे स्कूल में जाएगा, वो गिलास लेके लाइन में लगेगा, दूध पीने जाएगा, 9 बजे 10 बजे फिर खाने के लिए लाइन में लगेगा, ये इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, कहाँ बच्चा पढ़ेगा। एक हेडपंप लगा हुआ रहता है, थाली मिलती है उसको, एक स्कूल में 80 से 90 बच्चे रहते हैं, वो लाइन सर लगेंगे और 90-90 थाली धोएंगे, 1 घंटा उसमें लगेगा, इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। सभापति महोदय, मैं इस पे कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि हमें एक तरह का कोई न कोई ऐसा प्रावधान रखना चाहिए। ज्यादा सुझाव दीजिए, समाप्त करें। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लेकिन मैं एक अंत में एक चीज बात बताना चाह रहा हूँ कि उस इलाके में स्कूल में जो बच्चा जाता है वो डर सा महसूस करता है, डर सा महसूस करता है कि मैं कुछ गलत नहीं बोल दूं, क्योंकि वो अपने बचपन से 5 साल तक अपने अभिभावक के साथ रहता है, वो ऐसी भाषा सीखता है, वो मातृभाषा, और स्कूल में जाने के बाद उसको सीधे हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है, तो वो बच्चा डरता है। तो आपसे निवेदन है सदन को कि जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने 5वीं तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए प्रावधान किया है, तो वर्तमान सरकार भी
इस अपने राज्य में हमारे इलाके में विशेषकर जो बिली भाषा है, मातृभाषा है, उसमें अध्ययन कराने का प्रावधान करें।